हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्कल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग, एंड आरसीसी ड्राइंग में हमारा चल रहा है अभी कॉलम, ठीक है, यानी कि स्तंभ। और कॉलम में भी हम लोग स्क्वायर कॉलम पढ़ रहे हैं, और स्क्वायर कॉलम का आज हमारा टाइप सेकंड रहेगा। हम एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन इसका बना चुके हैं, और आज ये इसका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी आरसीसी ड्राइंग की, तो उसमें जाकर के आप सिक्वेंस वाइज यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ आ सेक्शनल एलिवेशन एंड प्लान ऑफ आ 500 mm साइड स्क्वायर कॉलम, ठीक है, विथ फुटिंग, फुटिंग के साथ बनाना है, और जो भुजा है वो 500 mm दी गई है, ठीक है। यूज़ फॉलोइंग डेटा, ये डेटा सब आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब पर ये हिंदी में बोला है 500 mm माप के एक वर्गाकार स्तंभ का सम्मुखकार तथा प्लान का चित्र बनाइए, निम्न आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आंकड़े क्या क्या दिए हैं चलिए देखते हैं। कहा गया है कि कॉलम में जो रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेल ये है, फुटिंग में जो रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेल ये रही, ठीक है। तो कॉलम में क्या क्या है देखिए, मेन बार डालना है आपको, 8 डालनी है, पिछले में 4 डाली थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये नई चीज़ है, ये सीखने को मिलेगी। तो हमें 8 नंबर ऑफ स्टील डालनी है, वो भी 20 mm डाया की, और ये डिफॉर्म बार है। इसके बाद जो लेटरल टाई यूज़ करनी है वो 8 mm डाया की यूज़ करनी है, और 300 mm सेंटर टू सेंटर यूज़ करनी है। इसके बाद जो फुटिंग में जो रेनफोर्समेंट करना उसकी डिटेल यहाँ दी है। तो सबसे पहले साइज ऑफ फुटिंग दिया है 2 मीटर × 2 मीटर का, थिकनेस दी है 300 mm। इसके बाद जो मेन रेनफोर्समेंट डालना है फुटिंग में, तो आपको पता होना चाहिए फुटिंग में रेनफोर्समेंट जो डलता है दोनों डायरेक्शन में सेम डलता है, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों के लिए है, 12 mm डाया की बार रहेंगी, 150 mm सेंटर टू सेंटर यूज़ करना है, बोथ बे मतलब दोनों साइड। इसके बाद जो डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल है, मतलब ग्राउंड लेवल के अंदर कितना हमारा कॉलम ऑफ फुटिंग है, तो वो है 1.20 मीटर। इसके बाद जो प्लिंथ है वो हमारा 300 mm दिया है ग्राउंड लेवल के ऊपर। इसके बाद जो हाइट ऑफ सीलिंग दी है दोस्तों, वो दी है हमें 2.20 मीटर, और ये प्लिंथ के ऊपर है, ध्यान रखिए किसके ऊपर है, प्लिंथ के ऊपर। तो प्लिंथ आपको दिया तो था 300 mm, इसके ऊपर हम ये जो हमारी सीलिंग रहेगी वो ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए होगी स्केल। तो सबसे पहले आप एक स्केल एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे जो मैं स्केल ले रहा हूँ, स्केल हो जाएगा मेरा 1/25 का, तो मैं यहाँ पे 1/25 का स्केल ले लूँगा। इसके बाद जो वैल्यूज रहेंगे उनको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फुटिंग के साइज से स्टार्ट करना है, मतलब सबसे पहले आप सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे, उसके प्रोजेक्शन नीचे ले जाएंगे, फिर उसका प्लान तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लीजिए यहाँ पर जो फुटिंग है, फुटिंग का जो साइज़ है वो क्या दिया है, तो साइज़ जो फुटिंग का है वो 2 मीटर × 2 मीटर है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो 2 मीटर यानी कि आपका 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड करोगे 25 से तो ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो देखिए मैंने ये 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, कितनी है ये मेरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी फुटिंग है उसकी थिकनेस कितनी दी है, तो जो थिकनेस ऑफ फुटिंग है वो 300 mm है। तो 300 mm को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, 300 mm डिवाइडेड बाय जब 25 करेंगे तो ये हमारा दोस्तों कितना आ रहा है, 12 mm यानी 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर दोस्तों 1.2 सेंटीमीटर यहाँ से चले जाना है, एंड 1.2 सेंटीमीटर आपको इस साइड से इस साइड चले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद जो दोस्तों डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल है वो आपको ले लेनी है जल्दी से। तो जो डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल आपकी दी गई है वो देख लीजिए कितनी है, तो डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल आपकी 1.20 मीटर है यानी 120 सेंटीमीटर। तो आप 120 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 25 से तो ये आपका आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, जो बेस रहेगा यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। 4.8 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये पूरी की पूरी आपने डिस्टेंस ली थी 8 mm, इसका आप सेंटर लेंगे तो 4 mm आ जाएगा, एंड यहाँ से इसके सेंटर से एक सेंटर लाइन इस तरीके से ऊपर की ओर आप ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कॉलम का साइज़ है वो डिसाइड करना है। तो कॉलम का जो साइज़ है वो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो कॉलम का साइज़ क्या दिया गया था देख लीजिएगा, कॉलम का साइज़ 500 mm दिया गया था, ठीक है। 500 mm को आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी स्केल रहेगी उसमें आप चेंज कर लेंगे, तो 500 mm डिवाइडेड बाई 25 करोगे तो ये आपका 20 mm आएगा यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इसको लेना कैसे है ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ इस तरीके से MD सेट करेंगे, एंड आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर 1 सेंटीमीटर इस साइड चले जाएंगे एंड 1 सेंटीमीटर इस साइड, क्योंकि आपको 2 सेंटीमीटर थिकनेस रखनी है, और फिर इस लाइन को बढ़ाओगे यहां तक, इस लाइन को बढ़ाओगे यहां तक, और अब जो कॉलम है उसको ले जाओगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो कॉलम को मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, और ये मैं ले गया ऊपर की ओर इस तरीके से, और इस साइड से कॉलम में ले गया इस तरीके से ऊपर की ओर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं साइज़ वगैरह दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर आप ये बेस की बात करेंगे, ये जो बेस है फुटिंग का ये वाला, तो इसका साइज़ कितना है, और ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक
ध्यान दीजिए, यहाँ से जो यहाँ तक की इसकी थिकनेस रहेगी ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डेप्थ रहेगी ये वाली, ये कितनी रहेगी, ठीक है, ये वाली इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। तो दोस्तों जो हमारा साइज़ ऑफ फुटिंग है, साइज़ ऑफ फुटिंग में अगर देखेंगे तो ये हमारा 2.0 मीटर है, एंड अगर थिकनेस देखोगे तो 300 mm आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये 300 mm है, एंड इसके बाद जो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ठीक है, जो आप लोगों का क्या है ये देखिए, मैं बना देता हूँ। अब इसको बना देते हैं, तो इस तरीके से ये आपका ग्राउंड है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है आपका इस तरीके से। तो ग्राउंड लेवल तक की जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी की पूरी डेप्थ दी गई है वो आपकी कितनी है, तो वो आप जल्दी से दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी पूरी की पूरी डेप्थ है वो देख लीजिए, तो पूरी जो टोटल डेप्थ है आपकी ग्राउंड लेवल तक की, ठीक है, वो 1.20 मीटर है। तो आपको ये भी दिखा देनी है, 1.20 मीटर, ठीक है, ये डेप्थ हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं प्लिंथ की ओर। तो प्लिंथ अगर आप देखेंगे तो प्लिंथ 300 mm का दिया है, एंड प्लिंथ के ऊपर जो सीलिंग लेनी है वो आपको 2.20 मीटर ली है, दी है। तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए, 300 mm फिर 2.20 मीटर। तो जब 300 mm को आप चेंज करेंगे 25 से भाग दे करके, तो ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1.2 सेंटीमीटर इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, मार्क करेंगे, एंड इस तरीके से इसको ड्रॉ कर करके जो आपका प्लिंथ होगा वो आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सीलिंग लेनी है, मतलब कॉलम जो है यहाँ प्लिंथ से कितना ऊपर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है और ये जो मेरा है ये प्लिंथ लेवल है। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने सीलिंग आप ही बताई थी दोस्तों, 2.20 मीटर यानी 220 सेंटीमीटर। तो 25 से जब भाग दोगे, एक सेकेंड, जब आप 225 को कितना था, 2.20 था ना, 2.20 यानी 220 सेंटीमीटर डिवाइड करोगे 25 से, तो ये आ जाएगा 8.8। तो यानी कि आपको यहाँ जो ये आपका प्लिंथ है इससे 8.8 सेंटीमीटर और ऊपर जाना है। तो इस तरीके से 8.8 सेंटीमीटर और ऊपर जाइए, तो ये 8.8 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो इसको इस तरीके से और बढ़ा लो, 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सीलिंग की जो हाइट है वो भी दिखा दो, और ये क्या है, ये है प्लिंथ, तो प्लिंथ भी दिखा देना इस तरीके से, एंड ये जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट रहेगी ये रहेगी आपकी सीलिंग। ये क्या रहेगी, सीलिंग, दिख रहा है ना कॉलम, चलिए दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.20 मीटर, ये इसकी सीलिंग है 2.20 मीटर, और ये प्लिंथ है। तो 300 mm का यहाँ भी ये हमने प्लिंथ दे रखा है, कितना है, 300 mm का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब हम देते हैं इसमें रेनफोर्समेंट। ठीक है, चलिए तो रेनफोर्समेंट की बारी है। तो सबसे पहले जो मेन रेनफोर्समेंट कॉलम में डाल रखा है उसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मेन बार आपने डालनी है कॉलम में वो 8 डालनी है, और आपको 20 mm डाया की डालनी है, और ये डिफॉर्म बार है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, दोनों साइड से जो आप लोगों का यहाँ पर क्लियर कवर दिया जाता है वो आप ले लेंगे। तो क्लियर कवर हम 40 mm का देंगे, और 25 स्केल ली है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 आप इस साइड से गैपिंग करेंगे, एंड 1.6 इस साइड से गैपिंग करेंगे, एंड जो आपकी बार होगी उसको आप ऊपर से कुछ इस तरीके से ले आएंगे नीचे। ठीक है, अभी इतना ही रखो, फिर उसके बाद बढ़ा लेंगे। ठीक है, जब नीचे फाउंडेशन की हमारी जो बार हैं वो डल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ले करके आएंगे, एंड इनको ऊपर इस तरीके से बैंड कर देंगे। ठीक है, ताकि जब लैपिंग करनी हो तो इन्हीं बार्स को सीधा करके इसमें लैपिंग कर ली जाए। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपने कर लिया। तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई दोस्तों मेन बार, ये क्या है आपकी मेन बार, या इन्हीं को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार। इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, तो इनकी संख्या 8 आपकी, तो 8 नंबर ऑफ स्टील है दोस्तों ये, 20 mm इनका डाया है। ठीक है, और ये आपकी डिफॉर्म बार है। अब डिफॉर्म बार क्या होती है, तो इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है RCC के पहले लेक्चर में। ठीक है, और ये 8 डालनी है दोस्तों, तो 8 कैसे डालेंगी, मैं बता चुका था कि जब आप टॉप से देखोगे ना तो चारों कॉर्नर पे 4 डल जाएंगी, इसके बाद इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे एक, और टॉप फेस के सेंटर पर एक, एक बॉटम फेस के सेंटर पर। ठीक है, तो जब सामने से देखोगे तो केवल आपको 3 बार दिखाई देंगी, एक बिल्कुल सेंटर में
और दो आउटर साइड, ठीक है। तो एक बार आपको और दिखानी होगी इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब ये कैसे दिखती है तो अभी इमेजिन कर लेना जब हम इसका प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों की तीनों आपने बार बनाई है अभी, ये जो तीनों की तीनों बार आपने बनाई है, ये जो तीनों की तीनों बार आपकी बन चुकी हैं, ये हो जाएंगी आपकी मेन बार। ये क्या है, तीनों की तीनों मेन बार है, राइट। ये क्या है, तीनों की तीनों मेन बार है। इतना कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, जो नीचे हमारा फुटिंग है उस फुटिंग में हम उसकी जो मेन बार है वो डालते हैं, ठीक है। स्टीरअप्स बाद में डालेंगे जब हमारा फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फुटिंग में जो मेन रेनफोर्समेंट डालना है वो 12 mm डाया का डालना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डालना, और ये दोनों कंडीशन में होता है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो कवर लेना है फुटिंग के लिए वो लेना है दोस्तों 50 mm का, और साइड से जो यहाँ पे हमें एंड कवर देना है वो 40 mm का। तो जब 50 mm का यहाँ पे क्लियर कवर देंगे तो वो 2 mm आएगा स्केल के बेस पे, एंड इस साइड से एंड कवर छोड़ना है तो वही 1.6 आएगा, 40 mm का दे रहा है ना इसलिए। तो इस साइड से भी छोड़ा, इस साइड से भी छोड़ा, तो ये मेरा यहाँ पे मेन बार डल चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे दोस्तों यहाँ पे कौन सी बार डालनी है, यही मेन बार डालनी है लेकिन परपेंडिकुलर। तो पहली जो मेन बार होगी वो तो मेरी यहाँ आ जाएगी। अब जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे दी गई है वो कितनी दी गई है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मुझे दी गई है दोस्तों यहाँ पे 150 mm। तो मैं इसको चेंज कर लूँगा पहले, तो 150 को जब मैं चेंज करूँगा 150 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आएगा 6। तो मुझे 6 mm गैप ले करके इनको प्रोवाइड करना है। तो ये पहली बार मेरी यहाँ आएगी एंड अगली बार यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो तो आपकी दोस्तों मेन बार है वो है इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। फिर आप 6 mm का गैप यहाँ लेंगे, 6 mm का गैप आप इस साइड लेंगे, इसके बाद 6 mm का गैप आप इस साइड ले लेंगे, 6 mm का इस साइड ले लेंगे एंड 6 mm का इस साइड ले लेंगे, ठीक है। फिर इस साइड रखो, ये 6 mm इस साइड ले लो, 6 mm इस साइड ले लो, इसके बाद 6 mm इस साइड, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल इस तरीके से 6 mm इस साइड ले करके ये लास्ट आपका यहाँ पहुँच जाएगा। तो इनको जल्दी से ये गोल गोल जो है आपको बना देनी है, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी से। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी की सारी जो बार से इस तरीके से गोल गोल बना दी डॉट के रूप में, ठीक है। चलिए ये हमारी क्या है, ये है दोस्तों हमारी मेन बार इन फुटिंग, इन फुटिंग, ठीक है, वो भी बोथ वे मतलब दोनों साइड, ठीक है। चलिए इनका डाया वगैरह क्या है तो मैं लिख देता हूँ। तो मेन रेनफोर्समेंट जो है आपका फुटिंग के लिए वो 12 mm डाया की है, ये तो 12 mm डाया है, 12 mm डाया है, एंड ये आपने 150 mm सेंटर टू सेंटर डाला हुआ है, ठीक है। क्या है, 150 mm सेंटर टू सेंटर डाला हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये जो बार है आप गोल देख रहे होंगे, ठीक है, एंड ये जो रेड कलर की बार है ये सब आपकी क्या है, मेन बार ही है, ठीक है। बस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में डली हैं, जो ये रेड है वो आपकी एक्स एक्सिस में डली है, ये वाई एक्सिस में डली है, मतलब उसके परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इतना कर दिया आपने। अब जो दोस्तों आपको करना है काम, वो ये करना है कि जो ऊपर की बार्स हैं, जो ऊपर की बार्स हैं, ध्यान दीजिए, जो ऊपर की बार है उनको ऐसे लाना है, ध्यान से देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाना है, ठीक है। एंड आपको मैंने बताया था कि इस साइड जो हम बार निकालते हैं वो 12D निकालते हैं। तो पहले कैलकुलेट कर लो एक बार, जो 12D है वो कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 12D कितना आएगा, ध्यान से देखो, 12 करना है सबसे पहले तो, इनटू में डी होता है जो मेन बार है उसका डाया, यानी जो कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार डाल रखी है, तो कितना है 20। तो 20 से जब गुणा कराओगे तो ये आपका 240 mm आएगा, इसको डिवाइड करना है 25 से तो ये 9.6 mm आएगा, लगभग 1 cm के बराबर, ठीक है। तो आपको 1 cm क्या करना है, इस तरीके से आगे इसको लेके चलना है, ठीक है। तो 1 cm इस तरीके से इसको आगे ले जाओगे, और ये जो बार है थोड़ा और बढ़ा लो, तो इसको भी 1 cm इस तरीके से आगे आप लोग ले जाओगे, ठीक है। और इसको जो है बिल्कुल इसके साथ टच करा दोगे, और जो इसी की ये जो बार लंबी डली है ना आगे, उसी के साथ इसको बांध देंगे, ठीक है। और भी मेथड होता है इसको मतलब बेंट अप करने का, यहाँ पर मोड़ने का, देखो कैसा, कि देखिए इस बार को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन जो ये बार होती है इसको ऐसे बेंट अप करके इसकी डायरेक्शन में यहाँ ले जाते हैं, और यहाँ से यहाँ 12D आगे निकालते हैं, जो ये हमने 12D लिया है ना, ये अभी क्या कर रखा, इस बार को इसी की डायरेक्शन में यहाँ मोड़ दिया, इस बार को इसी की डायरेक्शन में यहाँ मोड़ दिया, और इसको इसके साथ बांध दिया, ठीक है, मोड़ करके। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये बार है इसको बेंट अप करके ऐसे ले जाएंगे आगे की, और ऐसे, और इस कॉर्नर से 12D आगे ले जाएंगे, फिर ये जो बार होगी इसको यहाँ बेंट अप करके यहाँ ले जाएंगे इस साइड,
और इस कॉर्नर से 12D आगे ले जाएंगे। तो ये दो मेथड होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रहा तो हम करा देंगे उसमें, ठीक है। चलिए तो ये आपने क्या किया, जो मेन बार थी उनको यहाँ से इस तरीके से बैंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करने हैं, यहाँ जो आपकी लेटरल टाई है वो डालनी है। तो पहली लेटरल टाई आप ऐसे डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, लगभग यहाँ से 1 mm का गैप देना है। और अब बाकी की जो लेटरल टाई है उनका जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ठीक है, बीच का सेंटर टू सेंटर वो लेना है। तो यहाँ पे 8 mm हाई और ये 300 mm सेंटर टू सेंटर आपको डालनी है। तो 300 mm सेंटर टू सेंटर इसका जो स्पेस है वो लीजिए, ठीक है। तो 300 mm को पहले आप चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 300 mm डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा 12 mm। तो आप 12 mm की गैपिंग लेते हुए इस तरीके से ये जो आपकी लेटरल टाई है वो ऐसे डाली जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली के बाद दूसरी लेटरल टाई, इसके बाद ये अगली लेटरल टाई, तो ये जो लेटरल टाइज है वो जल्दी जल्दी आप डाल दीजिए ऊपर तक, ठीक है। चलिए तो ये हमारी सारी की सारी दोस्तों यहाँ पे लेटरल टाई डल चुकी है, और ये है हमारी लेटरल टाई 8 mm डाया की, लेटरल टाई 8 mm फाई है, एंड ये 300 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये हो गई पहली और ये आपकी अगली हो गई, ठीक है। ये जो नीले कलर से मैंने बना रखी है, तो ये आपका इस तरीके से अब कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सेक्शनल एलिवेशन है वो कवर होगा, एंड इसकी यहाँ पे आप नेमिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है। अब इसका प्लान बनाना है, तो आपको पता है कि इसी के प्रोजेक्शन हमें नीचे लेकर के जाने हैं, तो इसका प्रोजेक्शन ले जाइए नीचे, ठीक है, इस तरीके से, एंड इस साइड का प्रोजेक्शन ले जाइए नीचे की ओर, जो और कॉलम है कॉलम का प्रोजेक्शन ले जाइए नीचे की ओर इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं साथ में नीचे और फिर बनाते हैं इसका प्लान, ठीक है। इसको देख लो एक बार अच्छे से, तो ये इसकी देखिए प्रोजेक्शन हम लोग ले करके आए थे नीचे, और अब आपको क्या करना है इसका जो प्लान है वो बनाना है, ठीक है। तो प्लान के लिए क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट थी 8 mm वो इस तरीके से ले लेंगे कहीं से भी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हमारे आए थे, तो हमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये था हमारा स्क्वायर शेप का, तो नीचे भी 8 mm ही रहेगा ये इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो 8 mm है इसका लेना है सेंटर, तो ये मिल जाएगा सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना है इस तरीके से, ठीक है, ये प्रोजेक्शन के थ्रू। तो ये सेंटर पॉइंट मिल गया, ये डिस्टेंस तो आपको पता है दोस्तों कि जो साइज़ 400 mm दिया था, कितना दिया था 500 mm दिया था, 500 mm दिया था, वो तो आपको पता है, ठीक है। ये देखिए 500 mm दिया था, लेकिन अब ऐसे पता नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले 500 को हम चेंज करेंगे, तो 500 mm डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, तो ये 20 आएगा, ठीक है। तो ऊपर भी अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट के, इस सेंटर पॉइंट की 10 mm ऊपर चले जाएंगे, एंड सेंटर पॉइंट के 10 mm नीचे। और अब जो हमारा कॉलम होगा उसको इस तरीके से बना देंगे, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, चलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जो स्टीरअप्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करने हैं, तो स्टीरअप्स वगैरह दिखा दीजिएगा। तो स्टीरअप्स के लिए देखिए इस तरीके से MD सेट करिए यहाँ पे टॉप पे, एंड इस तरीके से ये स्टीरअप्स लाइए, और यही गैप मेंटेन करे हुए जो आपने स्टीरअप्स के लिए गैपिंग लिए 40 mm का वो, ठीक है। अब 40 mm को स्केल में चेंज करके बनाना, सीधे मत बनाने लग जाना, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, चारों साइड से जो आप लोगों ने यहाँ पे स्टीरअप डाले थे वो हो गए, यानी लेटरल टाई, ठीक है। अब ये जो बार थी हमारी 8 थी, 8 कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो, ये हो जाएगी हमारी पहली बार, ये हमारी दूसरी बार, ये हमारी तीसरी, ये हमारी चौथी, एंड बिल्कुल सेंटर में देखो इस तरीके से रखो MD ऊपर, एंड पॉइंट ले लो एक यहाँ एक यहाँ, तो ये पाँचवीं, ये छठवीं, एंड इसका सेंटर लो बिल्कुल इस तरीके से, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये सातवीं और ये आठवीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक स्टीरअप्स तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया जो चारों के चारों थी उनको बांधने के लिए। अब अगला स्टीरअप्स कैसे डालना है, ध्यान से देखो, अगला जो स्टीरअप्स होगा यानी जो लेटरल टाई होगा वो कैसे प्रोवाइड करना, देखिए इसको मिलाओगे ऐसे आउटर आउटर साइड से, एंड इसको मिलाओगे इसके साथ ऐसे ऐसे,
और इसको मिलाओगे ऐसे इसके साथ, एंड इसके मिलाओगे इसके ऐसे साथ, और कहीं पे भी हुक दे दो ऐसे एक जगह, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों आठों की आठों जो बार होती है कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार, वो हमने डाल दी है। कुछ इस तरीके से आपको डालना था। इनमें से अगर आप एक दो की नेमिंग दिखाना चाहो तो दिखा दो, बाकी सब की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वो पूरा गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो हो जाएंगी सारी की सारी। तो ये क्या है आपकी जो मेन बार होती है वो है, ठीक है, मेन बार इन कॉलम, ठीक है। तो ये हमारी होगी मेन बार इन कॉलम, राइट, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है जो हमारी फाउंडेशन है या जो फुटिंग है उसकी मेन बार दिखाने की। तो चारों साइड से पहले आपको लेना है एंड कवर। तो ये देखिए मैंने एंड कवर यहाँ पे मेंटेन करा, इस साइड से भी, इस साइड से भी, और ऊपर से भी, एंड इस साइड नीचे से भी। तो ये हमारा एंड कवर चारों साइड से हमने छोड़ रखा है। एंड अब दिखाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हमारी फुटिंग में डाली गई मेन बार है वो। तो ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको, देखिए ये डॉट के रूप में, उन्हीं को मैं बना रहा हूँ ऐसे। तो ये पहली मेन बार डाल रखी है मैंने, ये दूसरी, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डाली हुई है। इस तरीके से इनको जल्दी जल्दी बनाओ। तो ये जो सारी की सारी मेन बार है उनको इस तरीके से बनाते जाओ। ये लास्ट वाली मेन बार हो जाएगी, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर में जो डाली है ये हमारी डॉट वाली है, ठीक है। अब दोस्तों हमको डालनी है कौन सी, अब हमको डालनी है जो ये हमने इस तरीके से डाल रखी थी हमारी मेन बार, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के अलाउंड डाली थी। तो उनको डालने के लिए सबसे पहले सेंटर लीजिए और एक बार ऐसे प्रोवाइड कराइए, सबसे पहले सेंटर में ऐसे, ओके। एंड अगली बार अब जो गैपिंग दी हो इनकी, डेढ़ सौ एम एम दी थी, कितनी दी थी, यस देखिए ये 150 mm है, इसको चेंज करोगे तो 6 mm आएगा आपका, ठीक है, 25 से भाग देने पर। तो इस तरीके से 6-6 mm की ये गैपिंग आप लेते जाइए, एंड इस तरीके से ये जो बाहर से वो प्रोवाइड कराते जाइए, ठीक है। फिर 6 mm लीजिए ऊपर। तो इस तरीके से ये मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से नीचे लेते जाओ। चलिए दोस्तों तो इस तरीके से देखिए ये सारी की सारी मेन बार यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक आपने लास्ट तक डाल दी, जब तक कि आप एंड कवर तक ना पहुँच जाएँ, ठीक है। चलिए और जब आपको लगे कि अगली बार हम नहीं डाल पा रहे हैं तो बस वहीं आप स्टॉप हो जाइए। तो ये जो सारी की सारी हमने बार डाल रखी है इनका नेम क्या है, तो अगर इनकी मैं नेमिंग करना चाहूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं कर पाई थी, तो देखिए इसमें से जो ये रेड कलर की है, देखिए ये रेड कलर की है, एंड इसी में से जो ये ब्लैक कलर की है, ये सब की सब आपकी क्या है, मेन बार है। तो यहाँ लिखना है मेन बार इन फुटिंग, और ये आपकी 12 mm फाई एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर डाली गई हैं, और वो भी बोथ भी दोनों साइड ये डाली गई हैं, राइट। चलिए तो अब इसका साइज और दिखा दो फुटिंग का जल्दी से, और ये फिर आपकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वो कवर वगैरह और दिखाना तो दिखा दिया करो, मैंने एक क्वेश्चन में डिटेलिंग कर दी थी, ठीक है। जितनी आप यहाँ पे नेमिंग कर सको सब की सब कर दिया करो, ठीक है, जितना आपको लगता है हम ये और कर सकते हैं टाइम है तो कर दिया करो। इसका साइज़ क्या है, 2.0 meter, ये भी 2.0 meter है, एंड ये आप एरो हेड इस तरीके से बना लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो गई यहाँ तक क्या, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 40 mm का एंड कवर, और ये जो हमने यहाँ पे छोड़ा था ना फुटिंग के लिए, ये 25 mm का क्लियर कवर, 50 mm का क्लियर कवर था फुटिंग के केस में, क्लियर कवर, ओके। चलिए कॉलम में जो छोड़ा था ये कॉलम का था 40 mm क्लियर कवर इन कॉलम, ठीक है, 40 mm क्लियर कवर, राइट।
तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका इस साइड जो अभी तैयार किया है ये प्लान हो गया कॉलम का, और ऊपर जो तैयार किए हैं वो सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जब हमें कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार की संख्या 4 दी हो तो कैसे बनाते हैं और 8 दी हो तो कैसे बनाते हैं। तो 8 के लिए ये है, ठीक है, चलिए सेंटर वेंटर में कोई बार नहीं डालती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके 8 बार के लिए जो है कॉलम का डिजाइन हो गया, और ये फुटिंग जो है आपकी पैड है, ये देख के चलना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम दोस्तों जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो हमारा करेंगे स्लॉब पे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।